नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो कमला देवी चट्टोपाध्याय के ऊपर है, ठीक है। और इस ये असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर एक नया टॉपिक ऐड किया है इस बार, कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे कि इन्होंने एक स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या काम किया, इन्होंने नारीवाद के ऊपर इन्होंने क्या काम किया, हथकरघा उद्योग के ऊपर इन्होंने क्या काम किया, ठीक है। इन्होंने कौन कौन सी की किताबें हैं, कौन कौन से इनके इनको पुरस्कार सम्मान मिले हैं, इन सब के बारे में आज इनका पूरा अध्ययन करेंगे। इनके बारे में इनके विचारों को जानने का अपना प्रयास करेंगे। तो आज अपने पढ़ते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। इनके बेसिक जीवन के बारे में अपने थोड़ी बहुत जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। बेसिक जीवन के बारे में देखें तो इनका जीवन परिचय अपने पढ़ते हैं तो इनका जन्म 3 अप्रैल 1903 के अंदर इनका जन्म हुआ था। 3 अप्रैल 1903 के अंदर कहाँ पर? मंगलोर कर्नाटक के अंदर। मंगलोर कर्नाटक के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो इनके जो पिता थे अंतथया वो कलेक्टर थे। इनके पिताजी थे कलेक्टर, कहाँ के? मंगलोर के ही कलेक्टर थे। और इनका ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। एक बढ़िया संपन्न परिवार के अंदर इनका जन्म होता है, ठीक है। और इनके पिता कलेक्टर थे। इनकी माता का नाम था गिरजाबाई। इनकी माता का नाम गिरजाबाई था, जो क्या है कि एक राजघराने से बिलोंग कर रही थी। ये क्या? एक राजघराने से बिलोंग कर रही थी। तो इनका जो प्रभाव कमला देवी की चट्टोपाध्याय के ऊपर काफ़ी पड़ा था। कैसे? क्योंकि इनका जो संपर्क था वो पंडित रमाबाई के संपर्क में थी। पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई, गिरजाबाई पंडित रमाबाई के संपर्क में थे। तो इस गिरजाबाई का प्रभाव, पंडित रमाबाई का प्रभाव गिरजाबाई के ऊपर पड़ा। तो ये प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? ये प्रभाव अपने कमला देवी चट्टोपाध्याय पर देखने पर मिलता है, ठीक है। ये क्या थी? ये एक कमला देवी बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। कैसे? आपको पता है इन्होंने काफ़ी उस वक्त अपने अपने विचार दिए, किस तरह के एक स्वतंत्र सेनानी थी ये, अपने उसमें आंदोलन में इन्होंने जो बहुत भरपूर प्रयास किया था इस भारत को आज़ाद करवाने के अंदर, इनका अच्छा योगदान था। समाज सुधारक थी ये, समाज सुधारक थी, नारीवादी थी ये, ठीक है। और सहकारिता आंदोलन के अंदर ये जुड़ी हुई थी। देखिए ये जो इनका जो करैक्टर है, ठीक है, एक नया टॉपिक ऐड किया तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना कि इनके किन किन इनके अंदर ये इनका योगदान रहा था, किन किन विषय के अंदर, और एक फैक्ट बन के, एक लाइन बन के, एक कॉन्सेप्ट बन के इसका एक पर्सन सीधा आ सकता है। तो ध्यान रखना, एक स्वतंत्रता सेनानी भी इनको कहा जा सकता है, समाज सुधारक भी थे और नारीवादी भी थे, और सहकारिता आंदोलन से जुड़ी एक महान महिला थी ये, ठीक है। और इन्होंने भारतीय हस्तकला को, भारतीय हस्तकला हथकरघा, जो मतलब एक प्रकार से अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो कुटीर उद्योग थे, उन कुटीर उद्योगों पे इनका बहुत बड़ा योगदान, इनको उनको सफल बनाने में योगदान रहता है इनका। सिनेमा के अंदर इन्होंने काम किया था। इन सब के चीज़ें के अंदर इनके प्रेरणा शक्ति के लिए इन्होंने तरीके से इन्होंने काम किया। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक जीवन को उत्थान करने के लिए इन्होंने अपना काम किया था, ठीक है। ये एक महिलाओं के लिए एक क्या है, एक महिलाओं शक्ति के लिए एक प्रेरणा के रूप में उभर कर ये सामने आई थी। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर इन्होंने इनको बढ़ावा दिया था। तो ये इनका बेसिक जीवन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है अपने इसको, आप इसको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो कि इनके करेक्टर के बारे में आपको थोड़ा समझ में आ जाए ये सिस्टम इसका। अब अपने इसमें देखते हैं कि कमला देवी चट्टोपाध्याय पर कुछ विचारकों ने भी काम किया था, ठीक है। कुछ विचारकों ने इनके ऊपर किताबें इनके ऊपर लिखी गई थी, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण अपन देखें तो सबसे पहले आते एक किताब आती है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये लिखी थी जसलीन दमीजा द्वारा, जसलीना दमीजा द्वारा ये किताब लिखी गई थी। ये कमला देवी चट्टोपाध्याय इनका नाम है, थोड़ा बेसिक सा आप इनको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ए रोमांटिक रिबेल एक बुक है, ये लिखी गई थी शकुंतला नरसिम्हन के द्वारा, शकुंतला नरसिम्हन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। उसके बाद में कमला देवी चट्टोपाध्याय एक बायोग्राफी, ठीक है, ये रीना नंदा के अंदर लिखी किताब लिखी थी। इस किताब के अंदर थोड़ा इनके जीवन के बारे में थोड़ा ज़्यादा प्रकाश डाला गया है। तो ये तीनों एक किताबें हैं जो अन्य विचारकों ने कमला देवी चट्टोपाध्याय के ऊपर ये किताबें लिखी गई हैं। तो बेसिक सी बातें आप थोड़ा बहुत इन पर नज़र रखना और ध्यान से इनको देख लेना। उसके बाद में अपने देखें तो उन अब महिला उत्थान के लिए विचार अपन इनके पढ़ते हैं, महिला उत्थान के लिए, ठीक है। देखिए एक तो क्या होता है कि इनका जो जीवन था ना, वो जीवन खुद इनका एक करेक्टर था, इन चीज़ों से गुजरा हुआ था,
जो महिलाओं के सामने जो परंपराएं जो आती हैं, कुरीतियां जो आती हैं, जो रीति रिवाज आते हैं, इनसे वो खुद इनको जेल के सामने आई थी। तब इनके बारे में इनका उन्होंने लिखा है कि देखो 14 वर्ष की कम आयु में इनका विवाह हो जाता है, मतलब इनका विवाह बाल विवाह होता है, बाल विवाह होता है, ठीक है। बाल विवाह होने के कारण इन्होंने बाद में बाल विवाह का भी इन्होंने विरोध किया था कि कम उम्र में महिलाओं की शादी करना एक अपराध के रूप में माना जाता है, तो इन्होंने इसकी मांग उठाई थी, इनको इन्होंने इसको दूर किया था, ठीक है। उसके बाद में इन शादी होने के जस्ट बाद में इनके पति की 2 साल के बाद में, 2 साल की उम्र के अंदर, 2 साल के बाद में शादी के 2 साल के बाद में इनके पति की डेथ हो जाती है। तो एक प्रकार से ये क्या अपने विधवा हो जाती हैं। तो विधवा होने के बाद में प्रसिद्ध एक कवि थे, प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार थे, जो सरोजनी नायडू है, सरोजनी नायडू के भाई थे, प्रसिद्ध कवि थे वो, नाटककार थे, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, इनसे इनकी पुनः शादी होती है। मतलब इन्होंने विधवा विवाह के बाद में पुनः इन्होंने विवाह कर लिया, मतलब विधवा विवाह का भी इन्होंने विरोध किया था। और उस समय जो इनके समाज के ऊपर काफ़ी दबाव भी था, जैसे इनका विधवा विवाह होना, विधवा विवाह दोबारा करना इनका, और उसके बाद में इनका फिर हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से इन्होंने क्या ले लिया, बाद में तलाक भी इन्होंने ले लिया था, तो तलाक इनसे हुआ, तब भी समाज ने इनका विरोध किया था। तो ऐसे कुछ बातें थी, ऐसे कुछ इनका खुद का चरित्र भी पूरे उस वक्त का ऐसा था, तो समाज से लड़ने वाला एक चरित्र था इनका, ठीक है। समाज के सामने इनको एक प्रकार का बहुत बड़ा इनको परंपराएं झेलनी पड़ी इनको, और एक कुरीतियां इनको झेलनी पड़ी। उन सब से निकलने के बाद में इन्होंने ये सारा अपने महिला के ऊपर इन्होंने विचार दिए, महिला का प्रेरणा के सामने उभर कर सामने आई थी, ये इनका महिला पे इनके विचार थे। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि 14 वर्ष की कम उम्र में इनकी शादी हो जाती है, और 2 साल के बाद में, शादी के 2 साल के बाद में इनकी इनके जो पति है उनकी डेथ हो जाती है, और उनका पुनर्विवाह, मतलब विधवा विवाह पुनर्विवाह होता है हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के साथ में इनका विवाह होता है, ठीक है। आगे अपने इनके विचार पढ़ते हैं, आगे अपने देखें तो देखो समय था 1920 के आसपास का, 1920 का जो समय था, एक बात आप इसमें देखना कि ये गांधीवादी नेता थी, जो कमला देवी चट्टोपाध्याय एक गांधीवादी नेता थी। 1920 में इन्होंने क्या किया कि ऑल इंडिया वीमेंस की स्थापना करी, ऑल इंडिया वीमेंस की स्थापना करी। और 1920 का ही समय था, इस वक्त देश के अंदर कौन सा आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन इसके अंदर चल रहा था, इस वक्त देश के अंदर असहयोग आंदोलन चला था। और यह आपको पता है गांधीवादी महिला थी, और काफ़ी इस आंदोलन से वो क्या हुए, काफ़ी प्रभावित हुई थी, ठीक है। और 1926 के अंदर में मद्रास प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए थे, इस वक्त क्या है कि 1926 में मद्रास की विधानसभा है, उस वक्त की कह सकते हैं अपने आज के मामले में अपने बोल सकते हैं विधानसभा थी, वो चुनाव होने वाले थे। और इन चुनावों के अंदर अब देखते हुए तो अपने देखें तो उस वक्त क्या था कि भारत में महिलाओं को चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं थी, लेकिन इसमें क्या होता, ठीक इस चुनाव से पहले क्या हुआ, कमला देवी चट्टोपाध्याय के प्रयासों से महिला को चुनाव से ठीक पहले महिला को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन इनके पास में जब इन्होंने ये लड़ा था, तब इनको अचानक से ये चीज़ आ गई, तो उनको चुनाव प्रचार करने के लिए इनका किसी प्रकार का कोई इनको मौका इतना नहीं मिला था, ये चुनाव हार गई थी उस वक्त, ठीक है। तो इनका जो प्रभाव ज्यादा था, मार्गरेट कंजस नाम की एक, मार्गरेट कंजस का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, इन्हीं के प्रोत्साहन से इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन क्या हो गए थे, ये हार गए थे। कमला देवी चट्टोपाध्याय इस कदम, ये कदम उठाया था चुनाव लड़ने का, इससे वह चुनाव लड़ने वाली पहली महिला मानी जाती है, पहली महिला। तो ये क्या था, एक मतलब इनका चुनाव प्रचार करने को इनको बिल्कुल भी इनको समय नहीं दिया इन्होंने, एक तो क्योंकि उस वक्त महिला को चुनाव लड़ने की परमिशन थी नहीं, ठीक पहले चुनाव से ठीक पहले इनको परमिशन दी गई चुनाव लड़ने की, महिलाओं को परमिशन मिल गई थी। तो इनके पति थे जो हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे, वो एक कवि थे, नाटककार थे, उन्होंने प्रचार एक इन्होंने समूह बनाया मार्गरेट कंजस ने और उनके पति ने, तो उन्होंने गा गा कर कवि के रूप में गा गा कर चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन क्या हुआ कि समय के अभाव के रहने के बाद में ये चुनाव हार गई थी, ठीक है। उसके बाद में 1927 के अंदर मार्गरेट कंजस ने ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना पुणे में की, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की स्थापना पुणे में की। कमला देवी चट्टोपाध्याय इसकी महासचिव बनी थी। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जड़ा बड़ा टॉपिक ये है नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट को आप बड़ी बड़ी बातें ये थोड़ा देख लें आप, थोड़ा एग्जाम में अगर फुल
पढ़ाओ, पूरा पढ़ाओ तो एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आ जाए, आपका गलत नहीं होगा। तो ये कुछ बातें याद रखना। ये समय 1926 से 27 के आसपास का समय, इसमें चुनाव का माहौल था और चुनाव वो हार गई थी क्योंकि ज़्यादा समय उनको नहीं मिला था चुनाव प्रचार करने के लिए। और एक ये महासचिव बनी रही किसकी, ये ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि नारीवाद पे उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, उनका खुद का करैक्टर भी इस चीज़ से उभर के आया था नारीवाद के ऊपर से, तो इनको खुद इनकी कुरीतियों को इन्होंने खुद झेला है। उस झेलने के कारण इन्होंने ये सोचा कि मैं महिलाओं के बारे में कुछ अच्छे कार्य करने का प्रयास करूँगी। तो ये कुछ कार्य इन्होंने यहाँ पे अपने स्तर पर किए थे और महासचिव भी ये रही थी इनके। उसके बाद में देखिए कमला देवी चट्टोपाध्याय की एक आत्मकथा है। इस आत्मकथा के अंदर ये इनर रिसर्च आउटर स्पेस, इस आत्मकथा के अंदर इन्होंने सारी बताया अपना कि महिलाओं का जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो मतलब जो स्वतंत्रता आंदोलन जो महिला के बारे में जितने भी लिखे वो सब इसके बारे में इन्होंने बताया कि जो महिलाओं के स्वतंत्रता आंदोलन का जो श्रेय है कमला देवी को जाता है, पूरा उन्होंने इस बात में लिखी हुई है, बात इसमें लिखा हुआ है। और महात्मा गांधी क्या थे कि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि महिलाओं को जो ये आंदोलन की भूमिका में न रहकर इनको क्रिएटिविटी कुछ करनी चाहिए, कुछ सृजनात्मकता करनी चाहिए। और महात्मा गांधी ने ये बात बोला कि महिलाओं को जो आंदोलन है नहीं आंदोलन में ना आकर चरखा और शराब की जो दुकानें हैं उनकी घेराबंदी करना, और चरखा करना मतलब सूत काटना मतलब घरेलू कार्य करना को प्रोत्साहन महात्मा गांधी ये चीज़ इनको मानते थे इन चीज़ों को करने के लिए। लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इस आत्मकथा में लिखी ये बात बोला इन्होंने कि ऐसा नहीं है कि महिला क्या मतलब हमारे हम आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते, क्या हमारे किसी प्रकार का मतलब कोई हमारे को राजनीतिक अधिकार नहीं इस चीज़ का, तो ये कुछ तर्क इन्होंने दिए। तो महात्मा गांधी इन चीज़ से एग्री हो गए, इनको आंदोलन में रखने के लिए आगे हुए थे। और उस वक्त 1930 के अंदर दांडी यात्रा हुई थी, उस दांडी यात्रा के अंदर महिलाओं ने उन्होंने खासकर कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इन्होंने हिस्सा लिया था। तो इन्होंने यहाँ इस आत्मकथा के बारे में अपने बताया है अपनी बायोग्राफी के अंदर कि महिलाओं को किस तरह से अधिकार दिलाया इन्होंने, किस तरह से इन्होंने बताया भी स्वतंत्र आंदोलन के अंदर महिला का क्या क्या काम था, वो महिला एक बिल्कुल घरेलू चीज़ न रह करके और सामने भी आके कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करे, ये बात इन्होंने इस आत्मकथा के अंदर बोली है। क्योंकि ये गांधीवाद नेता थी और गांधी से बहुत प्रभावित थी और ये चाहती थी कि गांधीवाद के माध्यम से हम महिलाओं को प्रोत्साहन दे सकते हैं। ठीक है, अब आज़ादी के बाद की समय की बात थोड़ी बहुत अपने करें तो आज़ादी के बाद में क्या सिस्टम रहा था। देखो आज़ादी के बाद में इनको बोला गया था कि आप अभी इसके अंदर राजनीति के अंदर क्या मतलब कदम रखा जाए कि नहीं रखा जाए, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं सक्रिय राजनीति के अंदर कदम नहीं रखूंगी। और जो उस वक्त तत्कालीन जो CM थे मद्रास के कामराज, वो इनको राज्यपाल का पद भी देना चाहते थे, वो जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने कंसल्ट भी किया था इसके बारे में इनको देने के लिए, लेकिन ये सक्रिय राजनीति में न आई। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैं ग्राउंड लेवल पे कार्य कराऊंगी, ग्राउंड लेवल स्थानीय स्तर पर समाज को प्रोत्साहन करने की कोशिश करेंगे, समाज में कुरीतियां वो खत्म करने की कोशिश करूंगी। मतलब इन्होंने समाज सेवा का कदम उन्होंने उठाया, इन्होंने सक्रिय राजनीति में न आकर के समाज सेवा में केंद्र इसको उन्होंने इंपोर्टेंट इसको दिया इन्होंने। ठीक है, तो आज़ादी के बाद कमल देवी चट्टोपाध्याय का अपना पूरा ध्यान किस पे गया, जो रिफ्यूजी होते हैं शरणार्थी हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने शरणार्थियों पर ध्यान दिया क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट से जो आए जो शरणार्थी थे उन पर इनको ध्यान दिया। और इन्होंने कहाँ पे इन्होंने बसाया, इनको दिल्ली के पास बसाया, वो जगह आज क्या कहती है, फरीदाबाद कहलाती है वो जगह, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये अच्छा फैक्ट है यहाँ पे एक। तो इन्होंने शरणार्थी पर ध्यान दिया। दूसरा, इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन का गठन किया, इन्होंने इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन पर गठन इन्होंने इसका किया। और ये कुछ बातें हैं, कुछ फैक्ट है जो आज़ादी के बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति में नए आकर के एक ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू किया और काम यहाँ से शुरू किया। इसमें इन्होंने शरणार्थियों पर ध्यान दिए, कोऑपरेटिव यूनियन का इन्होंने गठन किया, उन शरणार्थियों को जो बसाया दिल्ली के आसपास, जो फरीदाबाद के पास इन्होंने उसको जगह को फरीदाबाद के दिल्ली के पास बसाया, उसको आज फरीदाबाद बोला जाता है। ये कुछ इनके आज़ादी के बाद में इनके कार्य थे। ठीक है, और के कामराज ने मैंने बता दिया आपको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी, इनको राज्यपाल का पद देना चाहते थे लेकिन वो इनमें शामिल नहीं हुई। तो इनका पूरा ध्यान कहाँ था, समाज सेवा का इनका पूरा ध्यान था, समाज सेवा के रूप में इन्होंने कार्य करना पसंद किया। उसके बाद में देखो स्वदेशी उद्योगों पर बल, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इनके लिए एक प्रकार का एक जैसे थीम देखें अपने तो वो ये है इनकी स्वदेशी उद्योगों बल की बात, जैसे इन्होंने क्या क्या कि कमला देवी घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा की, घरेलू उद्योगों में जैसे हस्तकला,
हथकरघा, बुनकरों, शिल्पियों आदि स्वदेशी अपनाने पर इन्होंने बल दिया। इस उद्योगों को इन्होंने राष्ट्रीय स्तर से उठाकर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने पहचान इनको दिलाई। इसी कारण उन्होंने इनको 1952 में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट का प्रमुख भी इनको बनाया गया, प्रमुख भी कमला देवी चट्टोपाध्याय को बनाया गया था। इसी वजह से, क्योंकि हथकरघा शिल्पकला इनको प्रोत्साहन किया, इनको बढ़ावा दिया। और गांधी जी का भी यही कॉन्सेप्ट है कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। और आपको पता है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इन जो भारत के घरेलू उद्योग हैं इनसे जो बिल्कुल रॉ मटेरियल जो सिस्टम है, जो कच्चा माल है, वो इंग्लैंड ले गए और वहाँ से तैयार करवा के वापस ये आपके इधर भारत के अंदर इनको बेच रहे थे। तो ये सारी बातें इन्होंने भारत के अंदर ये हथकरघा जो हस्तशिल्प का काम है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो आज़ादी के बाद में 1952 के अंदर, 1900 ये डेट आप याद रखना, 1952 के अंदर इन्होंने कमला चौधरी ने इस चीज़ को प्रोत्साहन दिया ताकि घरेलू उद्योग हमारे नष्ट न हो। ये बहुत बढ़िया इनका कार्य था एक प्रकार का। और अपने इनके थोड़े राजनीतिक विचार पर प्रकाश डालें, राजनीतिक विचारों पर अगर प्रकाश डालें तो राजनीतिक विचारों की बात करें, मैंने क्या कहा था आपको पीछे अपने पढ़ के आए हैं कि इन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर बात की और समाज में जो कुरीतियां उनको खत्म करने का प्रयास किया। तो इन्होंने राजनीतिक अधिकारों पर बल दिया। एक बात तो ये बढ़िया याद रखना कि राजनीतिक अधिकारों पर बल दिया कि हर जो चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनको एक तरह के अधिकार, समानता की बात इन्होंने एक प्रकार से इन्होंने की है। ग्लोबल साउथ, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य करने की थोड़ी प्रयास किया। ग्लोबल साउथ ये जो विचार है कमला देवी के द्वारा दिया गया था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एशिया और अफ्रीका और अरब देशों के अंदर, अरब देशों, इन तीनों, मतलब इन्होंने बोला कि इन देशों के साथ संपर्क स्थापित करके सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार के इनके संबंध स्थापित करें ताकि क्या है कि मतलब एक दूसरे देश का विकास हो पाए और बहुत ज़्यादा की अपॉर्चुनिटी अवसर प्रदान किए जा सके। तो ये ग्लोबल साउथ का जो विचार है कमला देवी चट्टोपाध्याय ने दिया था, इसके अंदर एशिया, अफ्रीका, अरब देशों इन्होंने संपर्क स्थापित करने की इन्होंने बात की थी। ठीक है, इन्होंने एक कोटेशन है थोड़ा देख लेते हैं, स्वतंत्रता एक सिद्धांत नहीं एक अनुभव है, स्वतंत्रता एक सिद्धांत नहीं एक अनुभव है। इस कोटेशन को थोड़ा सा आप देख लेना, ये थोड़े फैक्ट हैं, आप इन पे थोड़ा नज़र रखें। ठीक है, और ये डेट आप थोड़ा सा याद रखना, 1952 के अंदर ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स की ये प्रमुख इनको बनाया गया था। उसके बाद में अपने देखें तो अभिनय के क्षेत्र में इनका योगदान, देखिए इन्होंने अपने अभिनय के क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत इन्होंने योगदान दिया था। अभिनय के क्षेत्र में बात करें तो कमला देवी ने चट्टोपाध्याय ने इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना करी, जो आज का प्रसिद्ध क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसके अंदर कोई काफ़ी लोग अभिनेताओं ने, जो नेता अभिनेता है, जो फिल्म अभिनेता, उन्होंने इसके अंदर पढ़ाई वगैरह की है। जो ये इनकी स्थापना तो नहीं की थी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, लेकिन इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना इन्होंने की थी, जिसको आगे चलकर क्या बोला गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना दिया गया इसके अंदर। तो ये आप थोड़ा सा इसके अंदर इसमें थोड़ा ध्यान रखना। इन्होंने इनकी दो मूक फिल्में काम किया, तो एक है मर्च कटिका, ठीक है, और एक है तानसेन। ठीक है, इनका जो अभिनय इनके अंदर हुआ था वो 1931 के अंदर हुआ था, और इनका जो अभिनय हुआ था 1943 के अंदर हुआ था। ठीक है, और कुछ अन्य फिल्म भी, शंकर पार्वती, एक धन्ना नाम से इनकी फिल्म थी। ठीक है, इनमें कुछ भी इन्होंने काम किया, शंकर पार्वती है, धन्ना है। ठीक है, और ये 1945 के अंदर इनकी मूवी आई थी। ठीक है, ये 1943 के अंदर इनकी मूवी आई थी। ये कुछ थोड़ी बहुत बल्कि हल्की फुल्की बातें इन पर नजर रखना, बाकी ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, नेशनल, इंडियन नेशनल थिएटर की इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने, मैंने बोला ना आपको कि हथकरघा, थिएटर, पुनर्जागरण, इन पर इन्होंने काफ़ी इन्होंने बल दिया था और अभिनय भी इन्होंने किया था, और इसका नाम आगे चले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहलाया था। ठीक है, और दो मूक फिल्में थी इनकी, एक मर्च कटिका जिनका अभिनय 1931 के अंदर उनका फिल्म आई थी ये, और एक तानसेन थी 1943 के अंदर इनकी फिल्म आई थी, और एक फिल्म जो है शंकर पार्वती 1943 के अंदर आई थी, एक धन्ना 1945 के अंदर ये फिल्म इनकी आई थी। इनका अभिनय के रूप में भी थोड़ा अच्छा इनका योगदान इनके अंदर रहा था। उसके बाद में अपने देखें तो इनकी कुछ, इनको इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी, जो यहाँ से क्वेश्चन एक आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। इन्होंने कुछ, इनको किताबें लिखने काफ़ी शौक था इनको, और इन्होंने कुछ किताबें लिखी गई थी, वो किताबें कौन कौन सी है। जो नंबर एक बुक है वह है द अवेकिंग ऑफ इंडियन वुमेन, 1931 के अंदर हुई थी, ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी काफ़ी।
देखिए 1931 के अंदर, ये आप सन थोड़ा सा देख लेना, कई बार मिलान का एक क्वेश्चन आ जाता है, एक बड़ा फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा काफ़ी टफ क्वेश्चन इसका बन जाता है यहाँ पे, तो इसको आप देखना आप। जापान इट्स वीकेंस एंड स्ट्रेंथ, ये बुक 1943 के अंदर आई थी, ये दो नंबर बुक इनका तो देख लेना। तीन नंबर बुक है अंकल सैम एम्पायर 1944 के अंदर आई थी। अंकल सैम ये किसको बोलती है? अंकल सैम ये अमेरिका को बोलती है, ये अमेरिका को बोलते हैं। इन वार टर्न ऑफ चाइना 1944 के अंदर आई थी। टूवर्ड्स ए नेशनल थिएटर, ये भी एक इनकी बुक थी। तो ये चार पांच बुक हैं, थोड़ा सा इन पे आप नज़र देख लेना, और इनके सन पहली जो बुक है काफ़ी जोड़ देख लेना। 1931 द अवेकिंग ऑफ इंडियन वुमेन 1931 के अंदर ये बुक आई थी, इस पर थोड़ा ध्यान दे लेना। उसके बाद में इनके जो आते हैं कि इनको पुरस्कार और सम्मान, इनको क्या मिले, क्या पुरस्कार मिले, क्या सम्मान मिले इनको, तो सबसे जो एक देखें तो पुरस्कार पद्म भूषण इनको 1955 में मिला था, पद्म भूषण दिया गया था भारत सरकार द्वारा 1955 के अंदर। दूसरा रेमन से मैग्सेसे पुरस्कार 1966 में मिला था, पद्म विभूषण उनको 1987 में मिला था। ध्यान रखना दोनों पुरस्कार इनको मिल गए हैं, अलग अलग पुरस्कार है, पद्म भूषण 1955 के अंदर है, पद्म विभूषण 1987 के अंदर है, और एक इनका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो इनको दिया गया था 1966 के अंदर इनको दिया गया था। ठीक है, शांति निकेतन ने अपने सर्वोच्च सम्मान देसी कोटम से सम्मानित किया था। शांति निकेतन ने अपने एक इनका सर्वोच्च सम्मान है, शांति निकेतन का ये कोई एक समूह है, शांति निकेतन इसका एक सर्वोच्च सम्मान है देसी कोटम दिया गया था। बहुत बढ़िया फैक्ट है, एक थोड़ा सा इसको आप देख के जरूर जाना है पेपर के एग्जाम के अंदर, देसी कोटम। यूनेस्को ने इन्हें 1977 में हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया था। और ये जो आपको मैंने बोला इनका मेन थीम यही है, जो हैंडीक्राफ्ट से हथकरघा है, हथशिल्प बुन करो जैसे ऐसे सिस्टम है इनके, इन्होंने इनको राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने इनकी प्रसिद्धि दिलवाई इनके, तो इस कारण यूनेस्को ने इन्हें 1977 के अंदर हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया था। ये एक वहाँ पे एक स्टेटमेंट बन के आपका आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप नज़र रखें एक बार। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, स्मृति ईरानी ने अभी हाल ही के अंदर अपने मार्च 2017 के अंदर करंट के सिनेरियो को देखते हुए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है, मार्च 2017 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर 8 मार्च को आता है ये, ठीक है, के अवसर पर महिला बुनकरों एवं शिल्पियों के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। प्रश्न आपके सामने ऐसा बन गया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था कि महिला बुनकरों, याद रखना पुरुष नहीं है, महिला बुनकरों और एवं शिल्पियों के लिए ये शुरू किया गया था, महिला बुनकरों और शिल्पियों के लिए शुरू किया गया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किया गया था। ठीक है, और बाकी तो इसमें इतना ये तो ध्यान रखना कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार इनको मिले हैं 1987 के अंदर है। तो ये इनके कमला देवी चट्टोपाध्याय के कुछ विचार थे जो अपन लोगों ने इनके बारे में थोड़ा देखा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, आप इनको ये टॉपिक नया जुड़ा है अभी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम जो है EWSU आयु सीमा छूट के कारण थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है, जल्दी इसका आयोजन किया जाएगा। अपने इसकी जो थिंकरों के बारे में जो मतलब एक क्लासें शुरू की है, तो अपने रेगुलर भी आगे इसकी क्लासें चलाएंगे, तो इसको आप थोड़ा सा रीड करना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।